बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। फिनाले में बस अब 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर सेलिब्रिटी लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि टॉप 6 फाइनलिस्ट में से किस सेलिब्रिटी ने ओटीटी सीजन 2 के लिए कितनी फीस ली थी। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 काफी अच्छा रहा। सलमान खान का ये शो फाइनली अपने फिनाले वीक में पहुंच चुका है। अभी भी घर में 6 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। हर कोई अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को बचाने के लिए भर भर कर वोट्स दे रहा है, लेकिन फैंस हमेशा ये जानने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं कि हर कंटेस्टेंट एक एपिसोड के लिए कितनी फीस ले रहा है। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट कौन है और किसने सबसे कम फीस ली है। बात कर लेते हैं एल्विश यादव की। एल्विश यादव ने भले ही बीच शो में एंट्री मारी हो, लेकिन इस शो में आते ही उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद भी उन्होंने अभिषेक मल्हान को 3 हफ्तों तक पछाड़कर नंबर 1 पर कब्जा किया। हालांकि जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है उतनी ही उनकी फीस भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पूरे शो के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए की फीस ली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट इस सीजन की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट हैं। प्यार से कई लोग घर में उन्हें ज्ञान की देवी भी कह चुके हैं। उनका बहुत ही कम घर वालों से झगड़ा देखने को मिला है। फिलहाल बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के फाइनलिस्ट की ट्रॉफी जीतने की रेस में उनका नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा भट्ट ने एक एपिसोड के लिए लगभग 45,000 रुपए की मोटी फीस ली है। उनकी पर वीक की फीस लगभग 3 लाख है। वो इस सीजन में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कंटेस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यूट्यूबर अभिषेक मल्हान की। अभिषेक मल्हान ने शुरुआत से ही फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके यूट्यूब चैनल का नाम फुकरा इंसान है। सलमान खान के शो में जिस तरह का उनका गेम है, उसे देखते हुए फैंस को भी यही लग रहा है कि इस सीजन की ट्रॉफी अभिषेक मल्हान जीत सकते हैं। बीते हफ्ते उन्होंने रैंकिंग लिस्ट में एक बार फिर से एल्विश यादव को पीछे छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो एक एपिसोड के लिए लगभग 30,000 की फीस ले रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिया शंकर की। पिशाचिन जैसे सीरियल में नजर आ चुकी जिया शंकर का गेम ऑडियंस को काफी कंफ्यूजिंग लगा। वो कभी अभिषेक का सपोर्ट करती है तो कभी अविनाश सचदेव का। हालांकि लड़खड़ाते और संभलते हुए उन्होंने टॉप 6 फाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो पूजा भट्ट के बाद जिया शंकर सबसे ज्यादा सीजन की फीस चार्ज कर रही हैं। उन्होंने हर वीक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए की फीस चार्ज की है। इसके अलावा बात करते हैं मनीषा रानी की। सोशल मीडिया स्टार मनीषा रानी शुरुआत से ही अपने दर्शकों को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। मनीषा रानी घर में मौजूद सभी मेल कंटेस्टेंट से फ्लर्ट करती नजर आती हैं। उनकी सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। वो भी एक एपिसोड के लिए लगभग 20,000 के करीब चार्ज कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं बेबिका ध्रुवे की। डेंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर बेबिका ध्रुवे को बिग बॉस में आने से पहले कोई नहीं जानता था। अपने गेम से इस शो में उन्होंने अपनी एक अलग और खास जगह बनाई। रिपोर्ट्स की माने तो बेबिका एक एपिसोड के लिए लगभग 20,000 रुपए ले रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।